अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 37वीं क्लास ऑलमोस्ट। तो 7th क्लास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। कल वाले क्लास में हमने पढ़ा था टेबल, इंसर्ट टेबल, पेजेस तो पहले वाले में हो गए थे, ठीक है। चलो फिर बहुत बढ़िया, देन पिक्चर पढ़ना है ना। पिक्चर्स, पिक्चर का मतलब है फोटो। तो जब आप पिक्चर यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली फाइल मैनेजर के अंदर आ जाते हो। दीज आर कॉल्ड लोकल पिक्चर्स, यानी जो आपके सिस्टम के अंदर है। यहाँ पे हार्ट विद फ्लावर्स है तो विल क्लिक ऑन इंसर्ट, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने कल भी बताया था, अब फिर से बता रहा हूं कि अगर आप इसको मूव करना चाहो तो ये मूव नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये पिक्चर टाइप है, यानी इमेज टाइप है। क्या है? इमेज टाइप है, तो दैट्स वाई वी कैन मूव इट। लेकिन नीचे वाले पेज में लेके जा सकते हैं अगर हमारे पास नीचे वाला पेज होगा। यहाँ पे एक ही पेज है तो दैट्स वाई ये नहीं होगा, समझ आ रही है बात। तो अब क्या करेंगे, अब अगर हमें इसको मूव कराना है, यानी साइड में रखना है या छोटा कर देना है और ऊपर वाले कोने में सजाना है, जिस तरह एक वो होता है ना वेडिंग कार्ड वगैरह, तो उसके ऊपर में होते हैं कोने में, तो वो कैसे कर लेते हैं वो आप देख लीजिए। उसके लिए आप करोगे इंसर्ट पे क्लिक और फिर आ जाओगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे, ये हम फिर से पढ़ने वाले टेक्स्ट बॉक्स, इनके टाइप्स वगैरह। तो यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स एक ऑप्शन आता है, उसकी मदद से आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करोगे, फिर इस पिक्चर को उठाओगे और इसके अंदर डालोगे। आया समझ? अब ये पिक्चर जो है इसके अंदर आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाएंगे और इसको मूव कराएंगे ऊपर। आया समझ? अब इसके ऊपर क्लिक करो, आज नई चीज सीखने को मिलेगी। इसके ऊपर क्या बोला मैंने, इसके ऊपर क्लिक करना है, देन कंट्रोल की प्रेस करो। जैसे मैंने कंट्रोल की, ये चेंज हो रहा है ना कर्सर, हो रहा है ना चेंज, अभी देखो कैसा है, अभी देखो कैसा है, ठीक है। और यहां से लेफ्ट क्लिक करो, क्या करो, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक, फिर ड्रैग करो, कितने बन गए, वाओ दिस ऑसम है ना, आ गए ना दो। अब यहां पे क्लिक करो, कंट्रोल पे क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, आ गए तीन। फोटो देखे कैसे प्रिंट निकालते हैं वो फोर्थ स्टेट वाले, ऐसे ही करते हैं। तो यहां पे कंट्रोल, कंट्रोल की, देन लेफ्ट क्लिक एंड देन यहां पे ड्रैग, आगे कितने आ गए, चार। तो पांचवा भी हम कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा बाहर जाएगा, तो हमें अब इसको नीचे करेंगे क्योंकि इनका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि हाउ वी कैन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए सिंगल पिक्चर, एक ही पिक्चर के मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाते हैं, समझ आया। तो ये कैसे हमने किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, पिक्चर्स में आके पहले टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स हम लाएंगे, देन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे और एक चीज है, अगर आपने कर्सर यहाँ पे इसके अंदर रखा, अभी यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है ना, हो रहा है ना, तो इट मीन्स दैट कि अभी जब हम इंसर्ट पिक्चर करेंगे वो इसके अंदर खुद ही आ जाएगी। लेकिन अगर आपने बाहर रखा ना कर्सर, अभी कहाँ ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करूंगा वो बाय डिफॉल्ट बाहर ही आ जाएगी। कौन सी वाली करें, ये वाली आ गई बाहर, ठीक है। अब इसको कट कर देते, कट करने के बाद यहां पे आ जाते, अब कहां पे ब्लिंक हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं और यही वाली इमेज में फिर से इंसर्ट करूंगा, आप देखो ये खुद ही इसके अंदर आएगी और साइज भी खुद ही कम हो जाएगा, समझ आया कुछ। तो इससे क्या साबित हुआ, साबित ये हुआ कि अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो एट दैट टाइम वी विल सेट अ कर्सर इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, एग्जैक्टली, तो उसके बाद वो पिक्चर वहीं पे इंसर्ट हो जाएगी। आया समझ? और इसको भी हम कहीं पे भी मूव करा सकते हैं और इसकी भी कॉपीज निकाल सकते हैं। ये एक कॉपी बन गई, इसके ऊपर लाइन के ऊपर कर्सर रखना है, ठीक है, ये चीज याद रखना, फिर कंट्रोल की, फिर लेफ्ट क्लिक एंड देन ड्रैग, समझ आया, मजा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। देन इंसर्ट, ये हो गई लोकल पिक्चर्स। अब दूसरी आती है ऑनलाइन पिक्चर्स, आज इंटरनेट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक ये लोड पिक्चर्स हो जाएंगी। प्लीज वेट वाइल वी लोड द पिक्चर्स फॉर यू। तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी आपको, नेचुरल पिक्चर्स अगर आपको चाहिए, एन ए टी यू आर ए एल लिख लो, देन एंटर प्रेस करना है, ठीक है, बस खाली लिखना नहीं होता है, एंटर भी प्रेस करना होता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी पिक्चर आपको पसंद आती है उसको क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं इस वाली को, मैं मुझे ये पसंद आ गई, तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो इंसर्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो वो पीछे आ गई, तो एक छोटी सी इमेज, ठीक है। लेकिन इसको हम मूव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट नहीं कराया। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराएंगे, फिर इसको लेके आएंगे इस तरह, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली इसके अंदर डाल देंगे, आ गई। अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर दो, ठीक है, इतना बड़ा, और इमेज को भी ड्रैग करके इतना बड़ा कर दो, अब सही लग रही है ना, है ना। और इस साइड से बड़ा करना है तो खाली इस साइड से ड्रैग करो, ठीक है। तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो, नेचुरल पिक्चर और फुल एचडी पिक्चर है ये, आप वीडियो में देख लेना ये कितनी अच्छी होगी, अभी आपके प्रोजेक्टर पे इतनी ज्यादा साफ नहीं आएगी,
लेकिन आप वीडियो में देख लेना ये कितनी अच्छी होगी, ठीक है, फुल एचडी होती है। तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर जो भी आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए टेक्नोलॉजी TECH, आप टेक लिख लो और एंटर करो तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ना, तो रॉबोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। फिर जो भी आपको चाहिए होगा उस पर क्लिक कर लो तो आपके पास मिल जाएगी, समझ आ रही बात। जैसे कि ये वाली इंसर्ट करते हैं तो इस पर इंसर्ट करो, तो क्लिक करो तो ये देखो आ गए इसके अंदर, यही है ना, सही। फिर अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। तो ये थी हमारी ऑनलाइन पिक्चर्स, आया समझ कुछ। तीसरी, फिर आते हैं शेप्स पे। शेप्स तो अच्छे से परसों ही समझ आया मेरे ख्याल से। शेप्स का मतलब क्या होता है, यानी शेप्स ड्रा करना अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इसमें बहुत टाइप्स के शेप्स है, जैसे रिसेंटली यूज यहां पर आएंगे, यानी जो आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे वो यहां पर आ जाएंगी, ठीक है, ये सारी शेप्स है, ठीक है। फिर लाइंस, लाइंस हमारी इस तरह की होती है, इतनी टाइप्स की, देन रेक्टेंगल्स, देन बेसिक शेप्स, देन ब्लॉक एरोस, देन इक्वेशन शेप्स, देन फ्लो चार्ट, एंड देन स्टार्स एंड बैनर्स, स्टार्स एंड बैनर्स, देन कॉल आउट्स। तो इस तरीके पर आपके पास बहुत सारी शेप्स है, इनमें से आप किसी को भी यूज कर लो, कोई भी यूज कर लो तो वो आराम से यूज हो जाएगी, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्माइल पड़ी हुई है तो हम इसको यूज करेंगे, ये देख लो, ठीक है। अब इसका कलर थोड़ा सा घटिया आ रहा है तो वी विल चेंज इट, ठीक है। अब इसका इंटरनल कलर जो यहाँ पे इनका आ रहा है ना, किनका, जरा एक बार यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको नल कर देते हैं, अब और अच्छी लग रही है ना। तो अब क्या हुआ इसका, हम शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे पहले, ये तो आउटलाइन वगैरह मैंने पढ़ाया ना, तो आउटलाइन पे हम कौन सा कलर करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप कलर चेंज कर सकते हो। तो ये जो शेप यहाँ पे इंसर्ट हो गई है इसी को हम बोलते हैं शेप। आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो, कितना भी छोटा कर सकते हो, आपकी मर्जी है, समझ आया। तो अब अगर मैं इन शेप्स को एक एक करके पढ़ाऊं तो आज की क्लास पर इसी के साथ लग जाएगी, ठीक है। अब आपको खुद इनको एक एक करके इस्तेमाल करना है और इनकी फंक्शन देखनी है, लेकिन जो आपको नहीं आएगी आप मुझे कल बताओगे, सर ये नहीं आई, हमने ट्राई की थी लेकिन हमें समझ नहीं आया ये क्या वाला है, तो मैं इंशाल्लाह कल बता दूंगा, समझ आ रही बात। लेकिन इनको आप एक एक करके खुद यूज करोगे, क्योंकि कल या परसों जब मैं एग्जाम लूंगा इसका तो मैं कोई भी क्वेश्चन इसमें डाल सकता हूँ, फिर उस वक्त मत बोलना सर ये कहां से आ गया, ठीक है। एक एक करके इनको इस्तेमाल करना है, ये किस लिए यूज होता है, इनका नाम भी वहीं पर आता है, एरो करवर्ड अप, यानी एक एरो है जिसको करो किया गया है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपको ये समझ नहीं, जो समझ नहीं आएगा उनको लिख के रखोगे अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे, और फिर मुझे बताओगे सर ये समझ नहीं आया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इक्वल टू नॉट इक्वल, हाँ एग्जैक्टली, ये एक एक करके पढ़ने हैं, समझ आ रही है। देन वी हैव आइकन्स, शेप्स में कोई और चीज है नहीं, यहाँ पे न्यू ड्राइंग कनवास, अगर आप अपने तरीके से बनाना चाहते हो ना कुछ भी तो वो यहाँ पे आएगा। लेकिन शेप्स में और एक चीज मैं भूल गया था, दैट इज जब आप एक शेप इंसर्ट करते हो ना, लाइक पहले हम एक ब्लैंक पेज लेंगे, बाहर क्लिक करते हैं, देन पेजेस पे ब्लैंक पेज। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे मैं हूं ना, अगर मैं पेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ ब्लैंक पेज क्यों नहीं इंसर्ट कर पा रहा हूँ, हाँ ये बोलो कि यहाँ पे सर इमेज है तो इमेज के अंदर टेक्स्ट बॉक्स नहीं आ सकता, या वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं आ सकता, बाकी वहाँ पे कुछ भी कंटेंट हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट हो या नहीं हो, समझ आ रही है। अगर हम पेज पे इस वक्त हो जाएगा आराम से, लेकिन अगर हम कंटेंट इसके अंदर है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा, पहले क्लिक कर लो इस पे, अब नहीं होगा, समझ आ रही बात। तो ये चीज मैं कल बताना भूल गया था। अब यहाँ पे आगे इंसर्ट पे और शेप्स पे इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम एक स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल, चलो जो भी बनता है वही लेंगे, अब आप इसका नाम करो, ठीक है। तो ये जो भी बन गया यही है। अब इसमें क्या आता है, शेप्स के अंदर हम फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आ जाते हैं, फॉर्मेट में मैंने पढ़ाया था शेप्स, ये वापस आ गए वही शेप्स, ठीक। तो देन एंड पॉइंट्स, सबसे पहले आते हैं चेंज शेप। चेंज शेप का मतलब होता है इस शेप को बदल दो किसी और शेप से, जैसे अभी क्या है ये स्क्वायर, मैं इसको पेंटा, इसको क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम, यहाँ पेंटागन से बदल देते हैं, एकदम बदल गया ना, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, अवकात बदल दिए, ठीक है। तो ये कैसे होता है, चेंज शेप से डायरेक्ट। तो वापस अगर आपको वही चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करोगे, कहाँ गया, ये रेक्टेंगल है तो इस पे क्लिक करो तो वापस आ गया ना, लेकिन ये कर्व्ड है, वन साइडेड करो, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ से करो, चलो बहुत बढ़िया। फिर दूसरी चीज यहाँ पे आते हैं एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, यानी जो कोने हैं ना इसके, एक दो तीन चार और पांच, ठीक है, इनको आप सिलेक्ट करके ड्रैग और इसकी शेप जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे आप इस साइड से भी इसको कर्व देना चाहते हो, लेकिन मुझे देना नहीं आएगा तो ट्राई कर लेते, अब देखो कितना वाहियात बन गया। तो इस तरीके पर आप इस साइड से इसको ऐसे कर सकते हो, जो कि एकदम गलत है, मेरे को नहीं आता है, तो अगर आपको आता है तो आप कर लेना, ठीक है, अच्छे से। तो उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके पर कर सकते हो, और दूसरा जो है इसके एंड पॉइंट चेंज कर सकते हो। तीसरी चीज जो है ना, ये मैंने परसों नहीं पढ़ाई थी, ठीक है, ये चली ही नहीं थी उस टाइम पे भी, लेकिन आज इंशाल्लाह चल जाएगी, यही फायदा हुआ दोबारा क्लास देने का। हम क्या करते हैं, यहाँ पे और एक शेप इंसर्ट करते हैं ये।
अभी देखो जब मैं ये शेप इंसर्ट करता हूं ना, ये अलग से आ रही है, इस पे क्लिक कर रहा हूं, ये अलग शेप है। और अगर आप जाओगे ना किसमें, होम के अंदर, और यहां पे सिलेक्शन पेन को ओपन करोगे, आप देखो इस पे आओगे, यहां पे दो शेप्स है, एक तो ओएल 23 है जो कि ये है, और दूसरी जो है दैट इज रेक्टेंगल सिंगल कॉर्नर राउंडेड। तो यहां पे ये है, यहां पे ये है, दो चीजें है ना। अब अगर मैं इसको हाइड करता हूं ना, तो आप देखो दोनों गायब हो गई ना, शो ऑल तो दोनों आ गई, तो यही दो गायब हो रहे। अब आप देख लो इसको भी सिलेक्ट, और इन दोनों को मैं सिलेक्ट कैसे कर सकता हूं, जरा पहले ये बताओ। आप समझो कि यहां पे एक सर्कल है कि नहीं, समझो क्या है, तो आगे तो इसको समझना पड़ेगा, दो आगे। अब मुझे इन दोनों को एक साथ जो है सिलेक्ट करना है, तो कैसे करूंगा, इस तरह रखते हैं, और इसका कलर अलग रखता हूं और दूसरे का कलर अलग रखता हूं, ताकि आपको दूर से पता चल जाए कि ये अलग अलग है। इसका तो अलग ऑलरेडी था, चलो बताओ दो सर्कल है ना ये, बताओ बेटा अगर दोनों को सिलेक्ट करना है तो कैसे। देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये वाला सिलेक्ट होता है, इस पे क्लिक करता हूं तो ये वाला सिलेक्ट होता है, तो दोनों को कैसे करेंगे। देखो एक शेप हमने सिलेक्ट कर दी, अब जिस दूसरी शेप को हमें सिलेक्ट करना है ना, पहले मैं इनको अलग अलग कर देता हूं, जिस दूसरी शेप को मुझे सिलेक्ट करना है ना, मैं क्या करूंगा, इस वाली को पहले सिलेक्ट करूंगा या इस वाली को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर कंट्रोल की प्रेस करूंगा, क्या करूंगा, और उसके बाद लेफ्ट क्लिक करूंगा, होगी दोनों सिलेक्ट, कंट्रोल की प्रेस करूंगा, लेफ्ट की प्रेस करूंगा, तो ये तीनों सिलेक्ट हो गई एक साथ, सही है गलत है। और फिर से देखो जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं अलग से सिलेक्ट हो रही है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूं अलग से हो रही है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूं अलग से हो रही है, लेकिन जब मैं कंट्रोल के साथ तीनों को अलग अलग करके क्लिक करता हूं, अब जब अगर मैं एक को मूव करूं ना, ये तीनों हो रही है, वो सही है गलत है, ये चीजें सीखने की है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, मैं अब इस वाली को यहां पे लेके आता हूं, किस वाली को, इस वाली को इसके ऊपर, ठीक है, और फिर इसको भी सिलेक्ट करता हूं, होगी दोनों सिलेक्ट, है ना। ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये अभी तक अलग अलग थी ना, आपने देखा ना, तो यहां पे जब मैं इनको ग्रुप बनाऊंगा ना, अभी एक ही इमेज बन जाएगी, अब जब मैं इसको मूव करूंगा तो दोनों हो जाएंगी, तो इसी को बोलते हैं ग्रुप। तो अब क्या समझा आपने, अगर हमें दो इमेज को, दो शेप्स को आपस में मिलाना है किसी भी तरीके पे, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पहले इंसर्ट में, पहले शेप पे जाएंगे यहां पे, और एक जो है सर्कल इंसर्ट ड्रा करेंगे, उसको इनके ऊपर रखेंगे, दोनों के ऊपर, लेकिन ये सर्कल लग नहीं रहा है, ज्यादा बड़ा हो गया है ना, चलो जो भी है। अब तीन आ गए ना, तीन कलर्स के, अब इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, देन हम आ जाएंगे फॉर्मेट में, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ग्रुप, तो ये देखो एक ग्रुप बन गया तीनों का, ठीक है। अब किसी को भी सिलेक्ट करो, ये तीनों आ जाएंगे, बात आ रही है समझ, हाँ। अब अलग अलग भी ये सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब मुझे मूव करना है तो एक साथ में कर सकते हैं, समझ आया। तो तीसरा चीज़ है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का ये जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे बताया था ना, इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट बॉक्स, ये वही है, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मेट के अंदर पॉसिबल है, तो ये देखो, ठीक है। फिर से कर लो, फिर से और एक आएगा, फिर से कर लो तो फिर से और एक आएगा, इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हो, ठीक है, विदाउट गोइंग टू इन इंसर्ट मेन्यू, ठीक है। फॉर्मेट में वापस आते हैं, उसके बाद ये चीजें मैंने तो परसों बताई थी, ठीक है। इसे क्या होता है, शेप का स्टाइल चेंज होता है, देखो हो रहा है चेंज, ठीक है। और उसके बाद शेप फिल पे आते हैं, इसमें बहुत सारे स्टाइल्स हैं, ये यहां तक अदर थीम्स भी आपको मिल जाएंगे, ये भी मैंने कल ही पढ़ाया था, लेकिन अब फिर से पढ़ा रहा हूं तो क्या बताएं। तो ये देखो आप इसमें और भी कलर्स आ गए, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो। अब तीसरी चीज जो है दैट इज कॉल्ड शेप फिल, यानी शेप के अंदर कौन सा क्या चीजें आप चाहते हो। सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले यहां पे है कलर्स, ठीक है, जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वही कलर इसके अंदर आ गया। देन ये है सॉलिड कलर्स, ठीक है, दीज आर लाइट कलर्स, ये डिम है, ठीक है। और उसके बाद आता है नो फिल का मतलब है कुछ भी कोई भी कलर नहीं आना चाहिए। देन मोर कलर्स, यहाँ पे आप अगर आप यहाँ से कोई भी कलर पे क्लिक करते हो देन ओके करो तो यही कलर इसमें आ जाएगा, समझ आ रही है बात। देन नेक्स्ट वी हैव मोर फिल कलर्स, देन वी हैव पिक्चर। अगर हमें इस शेप के अंदर क्या डालना है, पिक्चर, तो वट वी आर सपोज टू डू, हम शेप फिल पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो आगे इसमें, ठीक है। इसमें और इंसर्ट पिक्चर में क्या फर्क है, जो हमने यहां पे इंसर्ट किए हैं ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क है इसमें और इसमें, कुछ फर्क है इसमें, बहुत बड़ी फर्क है लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आएगी। वो सबसे बड़ी फर्क क्या है, आप सबसे पहली चीज देख लो, यहां पे स्पेस आ रही है बॉर्डर पे चारों तरफ से, और यहां पे स्पेस नहीं आ रही है, एक फर्क। दूसरी फर्क, अगर आप यहां पे स्पेस सिलेक्ट कर दे तो खाली इमेज छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहां पे क्लिक करते हो तो पूरा कंप्रेस हो जाता है, इसको बोलते हैं कंप्रेस, ठीक है, समझ आ रही है बात, तो ये पूरा कंप्रेस हो रहा है। तीसरी फर्क,
यहाँ पे अगर आप बाहर वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे फिर अंदर की तरफ लाओगे, आप देखो ये इमेज खत्म हो जाती है, हो रही है ना उतनी खत्म, और उतनी ही दिखती है जितनी स्पेस हमने रखी है। लेकिन यहाँ पे देख लो, इस पे क्लिक कर लो तो ये कंप्रेस हो जाती है, लेकिन छुपती कुछ भी नहीं है, वो छुप जाती है। सही है गलत है? तो दैट इज द डिफरेंस। सबसे बड़ी चीज और एक भी है, दैट इज यू कैन राइट डाउन द टेक्स्ट इनसाइड दिस, आप इसके ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकते हो। समझ आ रही बात? जैसे आप ये देख लो, मैंने कुछ भी लिखा है, सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट एंड देन चेंज द फॉन्ट टू एरियल एंड चेंज द कलर टू वाइट। कहाँ गया वाइट? ये दिख रहा है कुछ टेक्स्ट इसके ऊपर, एंड देन अगेन सिलेक्ट इट एंड इंक्रीज द साइज। दिख रहा है इसके ऊपर आ रहा है ना, लेकिन इसमें देखोगे ना आप, लेकिन इस वाले ऊपर में और इस वाले फर्क, इसमें फर्क है ना, बहुत ज्यादा फर्क। ये इसके ऊपर आ रहा है और इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं तो इमेज खत्म हो रही है, और जब तक हम इसको यहां से नीचे से ड्रैग नहीं करेंगे तब तक वो दिखेगी नहीं पूरी। अगर हम ऊपर करना चाहते तो ये नहीं होगा। अब फर्क है ना? चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया। वापस आते हैं फॉर्मेट पे, और यहाँ पे ये था शेप फिल, उसके बाद पिक्चर पे आ गए। अब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मैंने दिखाया था, ग्रेडियंट पे का मतलब क्या होता है, यानी मल्टीपल कलर्स इन ए सिंगल पेज। तो जैसे आप ये वाला करते हो, आप देखो दो कलर्स आ रहे हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, लेकिन पूरे क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज ट्रांसपेरेंट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहाँ पे क्लिक कर लो ग्रेडियंट पे, और यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे क्लिक कर लो। मोर ग्रेडियंट पे जैसे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे ग्रेडियंट पे आ जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम कलर चेंज करते हैं। क्या करते हैं? कलर चेंज। अब ये आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये वाला जो दूसरा है ना, इसको कर दो पूरा वाइट। क्या कर दो? पूरा वाइट। और इस वाली चीज को कर दो वापस ये, ठीक है। बन गए तीन कलर्स, हाँ दिख रहे। तो ये शेप के अंदर आ रहे हैं तीन कलर्स। इसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हो कुछ भी, और उससे बैकग्राउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? तो इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हो। और ये मैंने पढ़ाया था ग्रेडियंट किस में? आउटलाइन में। आउटलाइन में पढ़ाया था ना, तो ये वही है। देन वो शेप आउटलाइन, ये तो पता ही है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। शेप आउटलाइन का मतलब होता है यानी जो शेप के बाहर से आउटलाइन आती है ना, लाइन आती है, ये देखो बॉर्डर, जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं, ये ठीक है। अभी ये थोड़ी पतली आ रही है, तो इसको मोटा कर देते हैं। कहाँ से? वेट से। आप दिख रहा है? तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, नो कलर, यानी अगर आपको कोई भी इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए तो देन यू विल सिलेक्ट नो आउटलाइन। देन अगर आपको मोर कलर चाहिए, जिस तरह अभी किया था, देन दिस इज द वेट ऑफ द आउटलाइन। देन वी हैव डैशेज, वी हैव डॉट्स, राउंड डॉट्स, वी हैव डैश, देन वी हैव डैश डॉट, देन वी हैव लॉन्ग डैश, देन वी हैव लॉन्ग डैश डॉट, देन वी हैव लॉन्ग डैश डबल डॉट, यानी डॉट डॉट, ठीक है। और भी चाहिए होगा तो यहाँ से ले लेना। एरोज क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एरो इंसर्ट नहीं किया, बाकी तो पता ही है ना। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। देन वी हैव शेप इफेक्ट्स, ये चीज़ बढ़िया है। शेप इफेक्ट्स में हमने प्रीसेट, तो ये तो हमने पढ़े थे। देखो अब 3D लग रही है ना, अब तो ये पूरी विंडो लग रही है। कहाँ गया? मुझे इसको अलग पेज पे ले दिखाना है ना, इसीलिए पेज इंसर्ट किया। चलो अब देखो, इस तरह रख लो इसको, तो ये आपको कुछ खास नहीं लग रहा है? लग रहा है? ये है, आपको लगेगा नहीं तो उसका मतलब ये नहीं है। ऐसा कैसे मालूम है? शेप इफेक्ट्स। तो वापस आ जाओ प्रीसेट पे, और यहाँ पे जैसे आप शेप चेंज करते हो तो ये भी चेंज हो जाती है, देखो। और ये तो ये था हमारा सबसे पहला प्रीसेट। देन वी हैव शेडो, शेडो तो बस ये देखो आप, नीचे से आ रहा है शेडो, दिख रहा है? ये तो कतई जहर लग रही है ना। तो इस तरीके पर क्या करोगे आप, इस तरीके पर आप इसको क्या कर सकते हो, नीचे से शेडो वगैरह ला सकते हो। ये देखो शेडो आ गया ना यहाँ से, तो शेडो का वो भी चेंज कर सकते हो आप पोजिशन। तो उसी इसके बाद यहाँ पे देख लो आप, ये वाली चीजें आप चेंज कर सकते हो नीचे से। दिख रहा है यहाँ से? ये देखो ये कितना अच्छा सा शेडो आ रहा है, जैसे ऊपर से लाइट पड़ रही है नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो शेडो तो लाइट से ही आता है। तो इसको हटा देते हैं शेडो, जब आपको कोई नहीं चाहिए तो ये वाला ले लो, नो शेडो। देन नेक्स्ट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्लिक करते हैं, और रिफ्लेक्शन पे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्लो पे। ग्लो का मतलब होता है जो आउटलाइन के भी बाहर आता है ना, ग्लो उसको कहते हैं ग्लो, ठीक है। ये देखो आप आउटलाइन के भी बाहर, एक होती है आउटलाइन, देखो अगर आप इसके अंदर आउटलाइन इंसर्ट करते हो ना, कौन सी वाली आउटलाइन, येलो, देखो येलो के बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे ग्लो को चेंज करना चाहते हो, यानी कलर कुछ ये वाला, देखो अब ठीक है, ये एक जैसा लग रहा है, ये देखो आउटलाइन क्या इसी आ रही है येलो, और उसके बाहर आ रहा है ये। अब ये किताब नहीं लग रही है आप लोगों को, लेकिन बंद है ना, बंद, कभी ना कभी खुल जाएगी। वापस आओ इस पे, और फॉर्मेट पे, देन शेप्स पे, देन सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस का मतलब होता है जो इसकी कोनियाँ होती है ना, ये कोने, इनको सॉफ्ट कर दो।
अभी इनका ये हटा दो, ये शेडो वगैरह प्रेशर भी हटा दो, क्योंकि फिर ये अच्छे नहीं लगते जब सारे आप लगाते हैं ना, तो अच्छे नहीं लगते। जो जो ज़रूरत होगा वही, इसीलिए कहते हैं एक्स्ट्रा मेकअप नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने शक्ल दी है उसी पे खुश रहो, है ना। एग्जैक्टली, तो दैट्स व्हाई देखो, अगर मैं इसको ये सारे अप्लाई कर दूँ ना, सेरी क्रीम वगैरह मतलब, तो ये कैसी लगेगी भाई यार। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे क्या, एक एक करेंगे, यानी अच्छा सा कोई भी आप ग्लो कर लो या ये कर लो ये कर लो, तो लेकिन अलग अलग। ठीक है, तो जो सही लगेगा वही करना। देखो अब अगर मैं ये करता हूँ ना, अब देखो आप इसकी कोनिया सीधी होनी हो जाएगी, हो रही है, और ये देखो इसका एक, इसका तो एक साइड ही खत्म हो गया बेचारे का। ठीक है, तो एजेस जो है वो सॉफ्ट बन रहे हैं ना। अगर आप इसको देखो, ये देखो पूरा कोना दिख रहा है यहाँ से। अब जैसी में ये देखो, जैसी में यहाँ पे कर रहा हूँ ना, देखो ये एजेस कमजोर हो रहे हैं ना, सॉफ्ट हो रहे हैं एजेस, तो दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट एजेस। तो सॉफ्ट एजेस के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी साइज कितना होना चाहिए सॉफ्ट एजेस का, नहीं ये रिफ्लेक्शन का है, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं सॉफ्ट एजेस का। ये देखो साइज, जैसे आप इसको बढ़ाओगे ना, ये देखो कम हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड दिस। छोड़ो इसको भी। देन नेक्स्ट वी हैव बेवल। बेवल किसको बोलते हैं, ये एक तरह का 3D इफेक्ट ही है जो आपकी इमेज को मोर खूबसूरत बनाता है। क्या बनाता है, मोर खूबसूरत। अब देखो थोड़ी सी चेंज हो रही है ना इसमें, लेकिन ये पूरी तरह से क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी हमने 3D इसमें अप्लाई नहीं किया। जब हम 3D अप्लाई करेंगे ना, उसके बाद ये अच्छी लगेगी और ज़्यादा। तो दिस इज कॉल्ड 3D रोटेशन। 3D रोटेशन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे इसको आप जूम कर लो पहले, यहाँ गया जूम, इतना जूम नहीं, इतना जूम काफ़ी है ना, इसको इस साइड में रखते हैं, शेप इफेक्ट्स पे आ जाते हैं और 3D पे। देखो आप जैसे भी इसको मूव कर रहे हैं, ये देखो आप मूव हो रही है, अलग अलग इफेक्ट्स आ रहे हैं, और ये अच्छे इफेक्ट्स हैं। अगर आप इसके अंदर, अभी मैंने ये टेक्स्ट रखा ना, ये इसका शेप फिल, आप इसको वाइट कर दो, और उसके बाद जो है शेप आउटलाइन का भी कर दो, नो आउटलाइन, क्या कर दो, नो आउटलाइन। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़ जल्दी जल्दी में, यहाँ पे इसको कर देते हैं इस तरह, और इसके अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ मैं हाई टेक, बस इसको सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट में आ जाओ, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे आ जाओ। ये आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ये बाद वाली चीज़ें हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, अभी हम पढ़ रहे हैं शेप फॉर्मेटिंग। तो इसमें आप रख लो ये वाला, और साथ में इसका ये कर दो, अब देख लो आप ये कितना सुहाना लगेगा। ठीक है, आया समझ कुछ, इतना, और इसको इस तरह रखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए वापस आते हैं किसमें, फॉर्मेट में, शेप फॉर्मेट में लेकिन। ठीक है, तो शेप इफेक्ट में, अब 3D रोटेशन, जैसे ही मैं अब इसको मूव करूंगा, अब ये अच्छा लगेगा, लेकिन अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इसके आगे आ रहा है, देखो पूरा 3D लग रहा है ना, देखो है ना सही। तो इस तरह आप नाम लिखोगे। तो देन कहां गया वो, हम क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मेट। तो शेप इफेक्ट्स में इसी तरह आपके पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको अप्लाई करोगे तो आपको ये 3D लगने लगेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये है ओब्लिक एंड दिस वन, इसमें और इसमें फ़र्क है, क्यों नहीं हो रहा है, ओ ये कुछ खास है, देखो है ना सही। तो जितना ये उसकी वजह से, टेक्स्ट इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये था। अब इसके ऊपर अगर आप बेवल करोगे ना, देखो ये शेप का बेवल हो रहा है, देखो दिख रहा है कुछ, नीचे से देखो, ऊपर से भी आ गया इस साइड से भी, अब देखो हो, ये देखो आ गया इस साइड से इसका। तो इसी को बोलते हैं बेवल, यानी शेप के अंदर वाले इफेक्ट्स, या बाहर वाले भी ये इफेक्ट्स कभी कभी दे देता है, पता नहीं कहाँ पे देता है बाहर वाले, ये देखो बाहर के आ रहे हैं ना। ठीक है, और अगर आप मल्टी कलर करोगे ना इसका, यानी शेप के अंदर पहले कलर करोगे, शेप फिल में कोई फिल कर दो कोई अच्छा सा, अब देखो ये 3D लग रहा है ना, यहाँ से बड़ा मोटा जैसे है ना, नीचे से मोटा लग रहा है, तो ये इसी बेवल की वजह से। तो इस पर आप क्लिक करो एक बार, कहाँ गया, इस पर क्लिक करो एंड देन शेप पे आ जाओ एंड देन ये बेवल देखो आप, और ये चेंज देखो, ये देखो पूरा आ गया, आप देखो कितनी बढ़ रही है ये, हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको बेवल ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। समझ आया किसी को कोई क्वेश्चन, चलो फिर।